अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास स्विफ्ट आई है आज, ये मिसिंग कर रही थी, पिक नहीं थी और पेट्रोल की एवरेज बिल्कुल नहीं थी। आज इसकी ट्यूनिंग करेंगे, साथ इसकी जैन लीक है, सारा ऑयल ही ऑयल हुआ हुआ है इंजन पे। टेपर्ड कवर खोल के इसका जैन भी चेंज करेंगे। जैन की लीकेज की वजह से प्लगों में बहुत ज़्यादा ऑयल आया हुआ था, जिसकी वजह से प्लग और कॉइलें शॉर्ट हो गई थी, वो भी चेंज करेंगे इसकी। ये मैं जैन नया ले आया हूँ। इसकी थोटर बॉडी खोल ली है हमने और टेपर्ड कवर का जैन चेंज करेंगे। अब पेट्रोल के साथ टेपर्ड कवर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये अंदर से भी बिल्कुल साफ़ किया है ताकि थिकनेस ना रहे ऑयल की पुराने की। अब इसे सिलिकॉन लगा के जैन लगाएंगे। ये थोटर बॉडी मैंने वॉश कर ली है, इसका ये चोक सेंसर भी वॉश किया है, बिल्कुल फ्री किया है। ये अब इसकी थोटर बॉडी लगाते हैं। सिल्वर प्लास्टिक का इंग्लैंड होता है, इसके लिए हमें दरमियाना सा ज़ोर लगाना चाहिए बोल्टों को। ज़्यादा अगर ज़ोर लगाएंगे तो स्लिप कर लेंगे। सारे बोल्टों को बराबर बराबर ज़ोर लगाना है। ये पानी वाले पाइप इसके लगा देंगे। इसके क्लिप अच्छी तरह लगाने हैं ताकि पानी लीक ना हो। ये अब इसके क्लिप चढ़ा देते हैं। ये दूसरा भी अब लगा देते हैं। ये ग्रिप लगा दी है। अब एक्सीलेटर की वायर लगाते हैं। ये इसके प्लग नए लेकर आए हैं। प्लग एक नंबर लेने चाहिए। अगर चाइना के प्लग लगाएंगे तो मिसिंग नहीं छोड़ेगी और आपकी एवरेज अच्छी नहीं होगी, इसलिए अच्छे वाले प्लग लगाने चाहिए। सारे प्लगों को टाइट करेंगे अब दरमियाना सा जोर लगा के। सारे प्लग टाइट हो गए हैं। अब ये सेंसर इसका वॉश कर लिया है, एयर फिल्टर के ऊपर लगा होता है। अब इसके दोनों बोल्ट लगाएंगे। ये कॉइलें हैं जो इसकी चेंज करेंगे आज। ये कॉइलें लगा दी हैं। अब इसका एयर फिल्टर लगा के स्टार्ट करते हैं। अब फिटिंग कंप्लीट कर ली है हमने, स्टार्ट करके चेक करते हैं और इसकी ट्राई लेते हैं। स्कैनर लगा के इसे क्लियर कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कोई सेंसर काम ना कर रहा हो। स्कैनर से क्लियर करके ट्राई लेते हैं। ये हम ट्राई ले रहे हैं, बिल्कुल ओके है, कोई मिसिंग नहीं है, पिक भी अच्छी है गाड़ी की।